किन पुराने कैरेक्टर्स का दिख सकता है चेहरा, कहां कहां छा रहा है नीना का जादू, क्या जैकी दादा को किया जाएगा रिप्लेस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। 90s में देखा गया संजू बाबा का जलवा अब दोबारा आ रहा है वापस, और इस बार हमारे मुन्ना भाई आ रहे हैं उसी खलनायक रूप में वापस, जिसमें उन्हें फैंस ने 2009 में बेइंतहा पसंद किया था। 13 साल बाद अपने डैशिंग स्टाइल को लेकर आएंगे संजू बाबा सिनेमाज में धूम मचाने। जी हां, आप सही समझे, हम यहां पर बात कर रहे हैं संजय दत्त की आने वाली मूवी खलनायक 2 के बारे में। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि संजू बाबा के साथ हमें नीना गुप्ता, अनुपम खेर और माधुरी दीक्षित जैसे जैसे चर्चित सितारे देखने को मिले थे, तो आपको बता दें कि इस अपकमिंग मूवी के लिए भी कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है। अपडेट्स की माने तो हो सकता है कि हमें एक्ट्रेस नीना गुप्ता इस बार फिर से दिख सकती है इस एक्शन ड्रामा में। अब ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि हाल ही में नीना गुप्ता ने नेटफ्लिक्स के शो मसाबा मसाबा में भी अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आई हैं, और मे भी हो सकता है कि उन्होंने बॉलीवुड में फिर से कम बैक कर लिया हो और उसका डिसीजन भी ले लिया हो, ताकि वो नेटफ्लिक्स की तरह थिएटर्स में भी फैंस की तारीफें बटोर सकें। होने को नीना का रोल इस अपकमिंग फिल्म में हो सकता है डिफरेंट, लेकिन इस बारे में कंफर्मेशन तो मेकर्स ही दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल चलते हैं, आपको ये बता दें कि प्रीवियस पार्ट में देखा गया हमारे लाजवाब पुलिस जैकी श्रॉफ शायद इस बार कर जाएंगे रिप्लेस, और इनको करने वाले कोई और नहीं बल्कि होने वाले हैं हमारे बाजीराव सिंघम। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ऑडियंस ऑलरेडी अजय को एज इंस्पेक्टर देखना पसंद करती है, और इस रोल में उनकी हाइप भी काफी अच्छी है, तो मे बी मेकर्स मूवी का फैन बेस बढ़ाने के लिए ये टेक्निक अपना सकते हैं। खैर, जो भी होगा वो तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक सवाल ये है कि क्या पुराने पार्ट जितना लेवल सेट कर पाएगी ये अपकमिंग पार्ट। आप भी चाहें तो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, पर उसके लिए आपको देखना होगा आज का पूरा वीडियो, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि हम आज की तरह कल भी ऐसे ही आपके लिए ला सकें मसालेदार कंटेंट। धन्यवाद।